अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं मतंजन चावल। तो उसके लिए मैंने ये लिए ड्राई फ्रूट्स, गिरी कोपड़ा लिया है, कोकोनट, बादाम छीलनी और पिस्ता है कुछ, ये लौंग है, 10-12 लौंग ले लिए हैं जी, 10-12 नहीं है कि जितने आपको चाहिए। ये रेड कलर है, फूड कलर, थोड़ा सा लेना है। ये जर्दा रंग है, मैं हाफ निकाल लूँगी। और ये है साथ में चीनी, ये मैंने लौंग डालनी है बर्तन में, इसको बॉईल करने के लिए रखूँगी, चावल भगोए हुए मैंने, तो ये हम बॉईल करने के लिए रख देते हैं। फूड कलर मैंने आधा निकाल दिया है। ये है रेड, ये ग्रीन फूड कलर, थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे जितना हमें चाहिए। मैं भी फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, देखे क्या रिजल्ट आता है। चावल डाल दिए हैं, इसमें से वो जो पानी के ऊपर जागा थी ना, ये निकाल लीजिएगा। इसको जब चावल हमारे बॉयल हो जाएंगे, फिर हम घी और बाकी वो नट्स वगैरह डाल के ना शीरा तैयार कर लेंगे। ये मैंने घी डाल लिया है, इसमें डालेंगे सब्ज इलायची है। आज कुछ मैंने ज़्यादा ही डाली है, क्योंकि चावल जो है ना तकरीबन 2 गिलास थे, और चीनी भी मैंने 2 गिलास तो नहीं डाले, थोड़े से कम गिलास से ना, एक पूरा गिलास और एक हाफ से ज़्यादा था। तो मैंने तो अंदाजे से, मुझे ग्लास का मैंने अंदाज़ा रखा हुआ है कि इतना है तो इतना ही जाएगा। अच्छा, जैसे ये इलायचियाँ जो है ना, ये कड़कड़ाएंगी तो हम इसमें नट्स वगैरह डाल देंगे, ये देखें जो हमने पहले से काट के साफ़ करके रखे हुए हैं। लीजिए जी, हल्का से इनको फ्राई करेंगे रोस्ट, और फिर हम इसमें दूध डालेंगे। दूध डाल के तो हम चीनी ऐड करेंगे। इसमें मैंने मुरब्बे भी डाल रहे हैं, शर्फियाँ, रेड और ग्रीन कलर के। अपनी तरफ से तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से मज़ेदार से बन जाए। मैं भी फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, उम्मीद है अच्छे बनेंगे। ले लीजिए, दूध गया 1 कप, तो ये चीनी, चीनी मैं और डालूँगी थोड़ी सी, ये लीजिए। मुझे भी ज़्यादा लग रही है, लेकिन मैंने और डाली, ये दाना ख़त्म हो गया इसके अंदर से चीनी का, तो इसमें जो हमने चावल बॉयल किए हुए ना, वो डाल देंगे। ले जी, बॉयल किए हुए चावल आ गए हैं, और इसको, चावलों को इसके अंदर डाल के शीरे में हमने ज़्यादा पकाना नहीं, इसको दम पे रख देंगे, नहीं तो चावल हमारे बहुत सख्त रह जाएंगे, कनी वाले। हम यहाँ पे मिस्टेक ये कर लेते हैं कि हम इसको है ना, ये पानी खुश करने बैठ जाते हैं कि नहीं जी, जैसे दूसरे चावलों को दम लगाते हैं उस तरह ये चावल सख्त हो जाते हैं। ऐसे इसको दम पे लगा देंगे ना, दम भी इसका 20 से 25 मिनट होगा, क्योंकि चीनी जो है ना, वो चावलों के अंदर तक जाएगी। ये देखिए, इसको पकाना बिल्कुल भी नहीं है। इसको ढाँप दे ताकि चीनी अच्छे से चावलों के अंदर जज्ब हो जाए। देखिए आंच, ये स्लो करती है मैंने आंच, उसके ये शर्फियाँ ली हैं मैंने, रेड और ग्रीन। इनको जब निकालना है तो इनको वॉश भी करना है साफ पानी से, सादे पानी से ना। ले लीजिए, ये मुझे लग रहा है कि वो चावल जो है ना, तैयार होने के करीब हो गए हैं। अब मैंने इसमें ये शर्फियाँ डाल दी हैं। ले लीजिए, फूड कलर जब हम इनको देखेंगे ना, पानी ऊपर से ड्राई हो गया तो फिर डालेंगे वो जो हमने वो चावलों के कलर जो डालने थे ना, नहीं तो वो कलर फैल जाएगा। थोड़े से तैयार हो जाए ना ये, अच्छे से चावल ऊपर से खुश्क हो जाएंगे, फिर मैं इसमें डालूंगी फूड कलर जो है,
मिक्स करके जो रखे हुए हैं। तैयार कर लिया फूड कलर हमने, ये देखिए जी। अब हम इसमें डालेंगे फूड्स कलर ऐसे, बेशक आप इस तरह फैला के डाल लीजिए या जिस तरह वो ड्रॉप्स होते हैं उस तरह डाल लीजिए, ज़्यादा बेस्ट तो मुझे वही लग रहा था। तो मेरे हस्बैंड कहते नहीं वो जो देगे बनाते हैं ना वो ऐसे फैला के डालते हैं। दम पे रखेंगे, इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रखनी है रख लें, नहीं तो ऐसे ही चलेगा स्टीम बाहर ना जाए। लीजिए चावल हमारे रेडी हो चुके हैं, चावल अच्छे से गल चुके हैं। वाह मज़ेदार से मटन चावल तैयार हैं। मैं तो बच्चों को कह रही फूड कलर वाले चावल जो है ना, थ्री कलर वाले चावल मेरे बच्चे ना कह रहे थे। रेसिपी रेडी हो चुकी है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।